क्या एक वीरप्पन के मरने के बाद कई पैदा हो गए हैं? चंदन जिस तरह से देश के बाहर तस्कर हो रहा है, उससे तो यही लग रहा है बड़ी तादाद में चंदन का सफाया किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें नक्सलियों की भी मिलीभगत है। इसके पहले कि आपको दिखाएं पूरी कहानी, इन तस्वीरों में देखिए बरामद हुआ चंदन, करोड़ों की लागत। कस्टम और एक्साइज की आंखों में धूल झोंक, इतने बड़े कंटेनर जाने वाले थे देश की सीमा से बाहर। लाल चंदन का काला खेल अब बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इससे फाइनेंस हो रहे हैं नक्सली भी। लेकिन मुंबई के समंदर से जुड़ी ये कहानी शुरू होती है आंध्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों से। इतने घने जंगल के अंदर से धीरे धीरे कुछ इस तरह हर दिन काटा जा रहा है कई टन चंदन। चंदन की लकड़ियों की तस्करी सबसे ज्यादा उन इलाकों से होती है जहां पर नक्सलियों का आतंक है, और जांच एजेंसी अब ये कयास लगा रही है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे नक्सली तो नहीं। अभी तक इसमें कोई अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि अबंडन्ड स्थिति में मिली है, तो उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन लोग लाए थे और कहां पे लेके जा रहे थे। घने जंगलों से लदे कई ट्रक हर दिन मुंबई की ओर बढ़ते हैं। फिर समंदर के रास्ते चीन और दक्षिण एशियाई देशों में पहुंच जाते हैं। नेटवर्क इतना बड़ा है कि बिना नक्सली और सरकारी अफसरों की मिलीभगत के इसे मंजिल तक पहुंचाना नामुमकिन है। हाल ही में जेएनपीटी बंदरगाह से 14 कंटेनर जब्त हुए जिसमें 203 टन चंदन मौजूद था, यानी करीब 2000 चंदन पेड़ काटकर विदेश भेजे जा रहे थे। पिछले एक महीने से 4 जगहों से बड़े पैमाने पर चंदन जब्त हुआ है, और ये सब था तस्करी के लिए, यानी वीरप्पन की जगह लेने वाले कई आ चुके हैं। मुंबई से मनीषा ठाकुर के साथ धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।